श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसी 12 चीजें जो गणेश जी के पूजा में उपयोग की जानी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गणेश पुराण में श्री गणेश ने खुद कहा है। ये श्री गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड में दिए गए एक भाग को गणेश गीता कहा जाता है। गणेश गीता में खुद भगवान गणेश ने ज्ञान के उपदेश दिए हैं किसी गणेश की पूजा में किन वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए, कौन सी वस्तु श्री गणेश को सबसे प्रिय होती है, उसके बारे में खुद भगवान गणेश ने गणेश गीता में बताया है। श्री गणेश ने खुद कहा कि उनको पूजा में 12 चीजें उपयोग में लानी चाहिए। पहला है पंचामृत। पंचामृत भगवान की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। पंचामृत शहद, घी, दही, दूध और शक्कर, इन पांचों को मिलाकर तैयार करना चाहिए। फिर शुद्ध पात्र में उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए। फिर दूसरी चीज है स्नानीय। भगवान के स्नान के लिए प्रयोग में आने वाले वस्तुओं को स्नानीय कहा जाता है। भगवान का पूजन करने से पहले उनकी मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर तीसरा है वस्त्र। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाने के बाद पीले, लाल, पीले या केसरिया जैसे रंगों के सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाना चाहिए। वस्त्र अच्छे रंगों के साथ साथ रत्नों या बेलबूटों से सजा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर गहने। भगवान गणेश की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों के साथ साथ सुंदर गहनों से भी सजाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के गहनों और मुकुटों से उनका श्रृंगार किया जाना चाहिए। फिर धूप। विभिन्न पेड़ों के अच्छे गुण तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी हुई धूप भगवान गणेश को बहुत प्रिय मानी जाती है। चतुर्थी की पूजा में धूप का प्रयोग करना चाहिए। फिर छठी चीज है दीप। पूजा में चांदी, तांबे या मिट्टी के बने दिए या घी या तेल डालकर भगवान की आरती अगरबत्ती की जगह इसी दीपक से करना चाहिए। फिर है प्रसाद। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के लड्डुओं के साथ साथ मिश्री, ताजी मिठाइयां, ताजे फल, खीर, गुड़, शहद, ताजा दही जैसे अन्य मीठे पदार्थों का जो प्रसाद है वो शामिल करना चाहिए। फिर फल, लड्डू और फल भगवान गणेश के लिए सबसे प्रिय माने जाते हैं, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में विभिन्न तरह के ताजे फलों का भी भोग लगाना चाहिए। फिर नौवीं चीज है दक्षिणा। श्री गणेश के पूजन के बाद योग्य ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश सदा प्रसन्न रहते हैं और इनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर दसवां है पत्र। भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा सबसे खास मानी जाती है। श्री गणेश की पूजा करते समय ताजे फूलों के साथ साथ दुर्वा, बिलव पत्र आदि भी प्रयोग में लाना चाहिए। फिर ग्यारहवां है पुष्प। भगवान की पूजा में सुगंधित और ताजे फूलों का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर बारहवां है जल। भगवान गणेश के स्नान के लिए, आचमन आदि के लिए शुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। यह जल यदि कुएं या किसी नदी का हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।